ये कहानी किंगडम ऑफ लॉग स्ट्रीट के एक राजा और एक रानी की है। राजा जो कि अपनी रानी से बहुत प्यार करती थी और राजा की विश थी कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर रानी बहुत सैड रहती थी। वैसे तो राजा पूरे किंगडम से डॉक्टर को बुलाते थे कि वे रानी का इलाज कर सके, लेकिन किसी का भी समझ में कुछ नहीं आता और वो सब हेल्प नहीं कर पाते। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वाले को बुलाते हैं ताकि वे लोग इन्हें एंटरटेनमेंट करें, और इसी बहाने रानी का दिल बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर रानी का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर रानी चीज़ें तोड़ने लग जाती है। राजा अपनी रानी से प्यार करते थे और वो इन्हें यकीन दिलाते हैं वे उनके लिए कुछ भी कर लेंगे। और अगले ही दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो बताता है कि वो इस मैटर में रानी का हेल्प कर सकती है। राजा उसे कहता है कि तुमसे पहले बहुत लोग आ चुके हैं और ऐसे ही दावा करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तब वो आदमी उसे समझाता है कि ये पॉसिबल है, बस सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेचर कैसे वर्क करता है और पूरी दुनिया बैलेंस में है, और वो कहता है अगर तुम एक ज़िंदगी हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भी एक ज़िंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे और कुछ भी इम्बैलेंस ना हो, और वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे, जिसे मारने के बाद वो उसका दिल निकाल लेगा और इस दिल को ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर और बिल्कुल अकेली हो, जिसके बाद में रानी इस दिल को खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए था। और राजा सी क्रिएचर का शिकार करने निकल जाते हैं और उनका टारगेट उसको एक नदी में मिल भी जाता है जो कि एक बहुत बड़े साइज का व्हाइट कलर का मॉन्स्टर था। और राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा था राजा उस पर वार कर देता है। राजा उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन फाइट के दौरान राजा भी जख्मी हो जाता है। राजा इतना ज़्यादा जख्मी हो जाता है कि मौके में ही राजा की भी मौत हो जाती है, लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके हैं। और रानी खुद इस दिल को कपड़े में लपेट कर महल में ले आती है, और उन लोगों के माइंड में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक प्योर भी थी और अकेली भी, और उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो इस दिल को रानी के लिए पकाएगी। लेकिन दिल को पकाते वक्त उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो भी अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो दिल पक जाता है तब उसे रानी भी खा लेती है, और वही होता है जो उस बूढ़े आदमी ने कहा था। फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जैक्टली एक ही समय में रानी और मैट अपने अपने बच्चों को पैदा करती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और मैड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 साल बाद दिखाई जाती है जहां वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और वो नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग भी थे। उनके सारे बाल व्हाइट कलर के थे जो बिल्कुल इस मॉन्स्टर से मिलते थे, और वो दोनों देखने में बिल्कुल सेम थे। वो दोनों जुड़वा लगते थे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, उनकी फ्रेंडशिप थी। लेकिन रानी को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाती रहती थी कि तुम एक शहजादे हो, तुम्हारी दोस्ती किसी नौकरानी के बेटे से नहीं हो सकती, लेकिन इलियस माँ की एक भी नहीं सुनता था, और उसके बावजूद भी वो दोनों मिलते थे, और उन दोनों में ये क्षमता थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे, और छिपने के लिए अक्सर वो इसी नदी पे जाया करते थे जहाँ पर वो मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अब मैट को वार्न करती है, अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो उसे और उसके बेटे दोनों को किंगडम से निकाल देगी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे। वो मिलते थे और एक दिन तो वो दोनों लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना इलियस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है और रानी उसे पहचान नहीं पाती है कि उसका बेटा है कि नहीं, बस उसे शक रहता था। और जब उसे रियलिटी का पता चलता है तब वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। इलियस उसे रोकने का बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक चाकू से एक पेड़ का जड़ काटता है जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना इलियस से कहता है कि जब तक ये पानी साफ हो तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, और जब ये रेड हो जाए तब तुम समझ लेना कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। कई महीने गुजर चुके होते हैं। इलियस पानी देखने के लिए आता था और एक दिन वो पानी रेड हो जाता है।
तब वो समझ जाता है कि जोना का जान खतरा में है और कुछ गड़बड़ जरूर है। वो अपनी माँ को बताए बगैर ही किंगडम से जोना को ढूंढने निकल जाता है। काफ़ी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है क्योंकि दोनों का फेस मिलते थे, इसीलिए वे लोग उन्हें जोना ही समझ लेते हैं। तब इलियास सब कुछ बताते हैं और पूछते हैं कि जोना कहाँ है। तब उसके पूछने से पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वहां से वापस नहीं आया। और इलियास जोना को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। और पीछे से रानी को अपने बेटे की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो पूरी किंगडम में उसकी तलाश करवाती है लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता। और फिर वो उसी आदमी को बुलवाती है और वो बूढ़ा आदमी फिर से वही डिमांड कर देता है, अगर रानी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है तो जान के बदले जान देना होगा। और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। जंगल में जोना कहीं पर फंस गया था और काफ़ी जख्मी भी हो गया था। और तभी उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर इलियास को उसे ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है और वो जोना को ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी माँ थी और उसे ये अंदाज़ा नहीं था। उसने अपने माँ को ही मार डाला और उस बूढ़े आदमी से बात भी वही हुई थी कि जान के बदले जान। और इधर जोना की भी जान बच जाती है और इलियास किंगडम का बादशाह बन जाता है। और यहीं पे स्टोरी का द एंड हो जाता है। तो कैसा लगा ये स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।